क्या पृथ्वी शाह का करियर खत्म हो चुका है? पृथ्वी शाह, जिन्हें 15 साल की उम्र तक नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहा जाता था, जो रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर, दिलीप ट्रॉफी डेब्यू पर और टेस्ट डेब्यू पर शो बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे, वो आज की डेट में टीम से गायब हो चुके हैं। इस सब की शुरुआत हुई थी 2019 से, जब उनके अमेजिंग विंडीज टूर के बाद उन्हें ICC ने 8 महीने के लिए बैन कर दिया था बिकॉज ऑफ डोपिंग। इसके बाद शाह की जगह टीम में कंसंट्रेट नहीं रही। कंसिस्टेंसी और इंजरी से भरे हुए पृथ्वी शाह अब अपनी टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं और इसी दौरान टैलेंटेड प्लेयर लाइक ईशान किशन एंड सुमन गिल ने अपनी परफॉर्मेंस से अपनी जगह इंडियन टीम में पक्की कर ली। पर इतनी छोटी उम्र में इतना सब करने के बाद भी शाह का करियर यूं ही खत्म हो गया। पृथ्वी शॉ पर लगाए गए छेड़छाड़ के आरोप को झूठा और निराधार। एक ऐसा नाम जो आज कहीं खोसा गया है, जिसने 14 साल की उम्र में वो अचीव कर लिया था जो हर क्रिकेटर का सपना होता है। विराट कोहली ने इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस को देखकर कहा, जो इसने किया है वो हमने 10% भी नहीं किया। एंड रवि शास्त्री, जो उस वक्त इंडियन टीम के कोच थे, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि पृथ्वी शाह पैदा ही क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है। जब वो खेलता है तो उसमें सचिन नजर आता है, और ये सब सच साबित हो रहा था क्योंकि पृथ्वी शाह इंडिया को 2018 में U19 वर्ल्ड कप जिताते हैं, जिसमें वो टीम के कैप्टन थे, एंड इंडिया को लगने लगा कि हमें अब नेक्स्ट सचिन मिला हो। पर ये सब पृथ्वी शाह के लिए सही था या गलत? पृथ्वी शाह की U19 बैटिंग एंड कैप्टनसी को देखकर सिलेक्टर का ध्यान शाह पर गया एंड वेस्ट इंडीज टूर के लिए शाह को सिलेक्ट किया जाता है। 4 अक्टूबर 2018 को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट शाह अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं एंड अपने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी ठोक डाली और पहले यंगेस्ट इंडियन बैट्समैन बने जिसने अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी लगाई। Indian to get a century on debut. A proud moment for him. एंड अगले मैच में 70 एंड सेकंड इनिंग में 33 रन स्कोर किए। पृथ्वी शाह ने इस सीरीज में 237 रन स्कोर किए, जो बहुत बड़ा स्कोर है डेब्यू बैट्समैन के लिए। इसके बाद 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए एक बार फिर सेलेक्ट किया गया, लेकिन शाह को किसी की नजर लग गई। शाह प्रैक्टिस मैच के दौरान चोटिल हो जाते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया टूर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। यहां से शाह का डाउनफॉल करियर शुरू हो गया था। इंजरी ठीक होने के बाद लगा कि शाह का भोकाल अब देखने को मिलेगा, लेकिन शाह को कंट्रोवर्सी ने घेर लिया। शाह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे, जहां शाह की थोड़ी तबीयत खराब होती है एंड शाह एक सिरप ले लेते हैं बिना फिजिको के पूछे, एंड उस सिरप में टर्बोलाइन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो BCCI द्वारा बैन है, जिसके बाद उनकी टेस्टिंग की जाती है एंड शाह को डोपिंग वायोलेशन की वजह से BCCI उन्हें 8 महीने के लिए बैन कर देती है। शाह पर इससे पहले भी कई सारे आरोप देखने को मिले हैं, जैसे आपने शाह को एक वायरल वीडियो में देखा होगा कि वो एक लड़की के साथ हाथापाई कर रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी बात पर वापस आते हैं। इसके बाद COVID-19 के चलते इनफॉर्म प्लेयर आउट फॉर्म हो गए एंड फिट प्लेयर अनफिट हो गए, और बदकिस्मत ये दोनों चीजें शाह के साथ हो गई, जो एक क्रिकेटर की लाइफ में नहीं होनी चाहिए। एंड शाह 2022 में वापसी करते हैं एंड 5 जुलाई 2022 अपना ODI डेब्यू करते हैं, लेकिन इस पूरी सीरीज में वो अच्छी शुरुआत नहीं कर पाए जो उन्होंने सोची थी, एंड उसी टूर पर 25 जुलाई को T20 डेब्यू करते हैं, लेकिन हमें उसमें भी डक देखने को मिलता है। जैसी शुरुआत पृथ्वी शाह ने शुरू में की थी, ऐसी शुरुआत वो दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दे पाए, साथ साथ टीम से भी बाहर हो गए, दोबारा टीम में कभी सेलेक्ट ही नहीं किया गया। लेकिन 2021 के डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफी शानदार बैटिंग की थी एंड IPL में शिवम माबी को 6 गेंदों पर 6 चौके भी लगाए एंड 159 के स्ट्राइक रेट से 479 रन भी बनाए थे। इसके बाद सुमन गिल का राइज हुआ, वो शाह के लिए काफी ठिरकी टाइप था। 2022 के डोमेस्टिक क्रिकेट एंड IPL में भी ज्यादा खास नहीं कर पाए, लेकिन 2023 की रणजी ट्रॉफी में सिर्फ 383 बॉल्स पर 379 रन स्कोर किए, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है ब्रेन लारा के बाद। इसके बाद इन्हें टीम में तो सेलेक्ट किया गया, लेकिन हार्दिक पांड्या अपनी कैप्टनसी में इन्हें खिलाना भूल गए। इसके बाद इन्होंने इंग्लैंड के ODI कप में 224 रनों की एक बड़ी पारी खेली, लेकिन पृथ्वी शाह की इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिटनेस,
जो बहुत ज्यादा है। सान ने 2018 में अपनी कैप्टनसी के अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया एंड फर्स्ट क्लास मैच में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। सान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्रॉस ऑल फॉर्मेट में सेंचुरी लगाई है। पृथ्वी शाह, जिसे नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहा गया था, उसका करियर कुछ ही लम्हों में खत्म हो गया, लेकिन पृथ्वी शाह के पास आज भी क्लास है जो एक बेस्ट मैन को निखारता है। क्या 2024 के IPL में बेहतर परफॉर्मेंस कर सा 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर पाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वुमेन टीम पर वीडियो देखनी है तो इस पर क्लिक करें, और संगाकारा की जर्नी के ऊपर वीडियो देखनी है तो इस पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।